नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललिता। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार तो सीएम है ही, लालू के दोनों बेटे भी बड़ी भूमिका में हैं। छोटे बेटे तेजस्वी डिप्टी सीएम हैं, तो बड़े बेटे तेज प्रताप स्वास्थ्य जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इन सबसे अलग अगर लालू की बात करें तो वो 80 विधायकों वाले आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हालांकि वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। ऐसे में जब लालू ने सोमवार को आईजीआईएमएस का निरीक्षण किया तो विवाद शुरू हो गया है। इधर झारखंड में रघुवर सरकार एक साल पूरे कर चुकी है और नए साल पर विकास की रफ्तार को तेज करने का दावा कर रही है। सीएम रघुवर दास आज दिल्ली जा रहे हैं, जहां वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। तो इन दो बड़ी खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी। आईजीआईएमएस वाली खबर पर पटना से जुड़े हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा। तो दिल्ली में झारखंड के लिए क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इस पर हमारे साथ रांची से जुड़े हैं जी मीडिया संवाददाता आशुतोष सिन्हा। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबरों पर भी हमारी नजर रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एजेंडा। और सबसे पहले बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की। लालू यादव के आईजीआईएमएस के निरीक्षण की चर्चा पर सुशील मोदी ने लालू यादव पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा है और कहा है कि लालू प्रसाद ने सरकार से बाहर रहकर शासन करने में मास्टरी हासिल कर ली है। रविवार को आईजीआईएमएस का औचक निरीक्षण कर संस्थान प्रशासन को हड़काना नए साल का उनका पहला स्टंट था। इससे पहले दरभंगा में दो इंजीनियरों की हत्या के बाद उन्होंने कहा था कि अगर किसी को रंगदारी वसूली के लिए धमकी मिले तो वह सीधे उन्हें फोन करें। वो आम जनता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बार बार संकेत दे रहे हैं कि डी फैक्टो सीएम कौन है। दूसरी ओर स्वास्थ्य सचिव आरके महाजन ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बतौर स्वास्थ्य सचिव आईजीआईएमएस उन्हें आना ही था और इस सिलसिले में ही उनका ये दौरा हुआ है। क्या आपका विजिट लालू प्रसाद यादव के विजिट के बाद ये माना जाए कि उनके विशेष दिशा निर्देश पर ये हुआ है? मुझे आना ही था, यहाँ पे आना ही था मुझे, और मेरा एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुझे ड्यूटी भी है यहाँ आना, तो उसी सिलसिले में आया हूँ मैं। ठीक है, तो इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा। आशुतोष, जानना चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव पहले निरीक्षण करने के लिए जाते हैं आईजीआईएमएस और दूसरी तरफ स्वास्थ्य सचिव भी जाते हैं उसके बाद, तो वाकई बहुत ही बेहतर सवाल पूछा था कि क्या उनके ही निर्देश पर उनका जाना हुआ है क्या? देखिए, वाकई बड़ा दिलचस्प नज़ारा था वो। पहले दिन लालू प्रसाद यादव आते हैं और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव पहुंचते हैं आईजीआईएमएस और पूरा निरीक्षण करते हैं और आश्वासन देते हैं कि जो भी कमियां हैं उसे दूर कर ली जाएंगी और वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। लेकिन सवाल ये उठने लगे हैं, खासतौर से सुशील मोदी और बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव किस हैसियत से आईजीआईएमएस गए थे और वहाँ उन्होंने अधिकारियों को हड़काया, डराया, धमकाया। हमारे साथ नीरज जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नीरज जी, लालू प्रसाद यादव किस हैसियत से गए थे आईजीआईएमएस, वहाँ पर अधिकारियों को डराया, धमकाया और विशेष दिशा निर्देश भी दिए? तो तिल को ताल बनाया जा रहा है, सुविधा के अनुसार तर्क है यह। भाई, सार्वजनिक जीवन में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको ये अधिकार है। हम अगर एमएलसी हैं तो हम हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर से बात करेंगे कि नहीं, उनके डायरेक्टर से बात कर सकते हैं कि नहीं, अधिकार मेरा है। अब इसको सियासी चश्मे से देख रहे हैं तो माननीय सुशील मोदी जी कृपा करके बताइए कि अगर आपको पॉलिटिकल प्रोटोकॉल की ज़्यादा जानकारी है तो बाढ़ के एनटीपीसी के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में शिलापट पर किस हैसियत से आपका नाम दर्ज हुआ था? दिग्घा पुल पर किस हैसियत से आप अपना नाम दर्ज करवाए? पॉलिटिकल प्रोटोकॉल के एक्सपर्ट हैं। जब माननीय जीतन राम मांझी जी, जिनका दंश बिहार झेला, जो रिमोट से सुशील जी चला रहे थे, रोज पॉलिटिकल प्रोटोकॉल का सवाल उठाते थे। सवाल इस बात का है कि सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्ति है या कोई भी एक सामान्य नागरिक भी है तो वह जाएगा
जाएगा तो अपनी बातों को रखेगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है ना कि इससे पहले भी जब दरभंगा कांड हुआ था उसमें भी लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि अगर किसी को फोन आता है तो वो सीधे मेरे पास फोन करे, तो एज ए सरकार की भूमिका में नजर आ रहे हैं, भले ही पद पर ना हो वो, सुपर सीएम की भूमिका में नजर आ रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने साफ कहा है कि अपराध पर नियंत्रण में जो उनका सलाह है वह स्वागत योग्य है। दूसरा पक्ष इसका है कि वह महागठबंधन के घटक दल के प्रमुख हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी जब हमारे साथ सरकार में थी तो कोई राज्य कार्यकारिणी या राष्ट्रीय परिषद कोई सलाह नहीं देता था? सलाह देता था कि नहीं? वो अधिकार था उनको कि नहीं? लेकिन इसको सियासी चश्मे से आदरणीय सुशील मोदी जी, मेरा सलाह होगा, जनता ने जनादेश दिया है, थोड़ा दिन धैर्य रखिए ना। हम 6 महीना नहीं छपिए, नहीं मीडिया में जाइए, कम से कम 6 महीना मौन व्रत पर भी आ जाइएगा तो भाजपा का कम से कम भला हो जाएगा। सुपर सीएम नहीं माना जाए लालू प्रसाद यादव? कोई नहीं, सीएम तो संवैधानिक पद है ना भाई। आदरणीय सुशील मोदी जी को यह बताना चाहिए कि संविधान के किस उपबंध में डिप्टी सीएम लिखा हुआ है, लेकिन उसको तो अवेल कर रहे थे, बने हुए थे। इसलिए इस ढंग की बातें केवल सियासी चश्मे से घटनाओं को देखा जाना, उनको तो स्वागत करना चाहिए कि आईआईएमएस का अगर पुनरुद्धार हो रहा है उसके लिए प्रधान सचिव जा रहे हैं तो ये तो स्वागत होना चाहिए। अब उनको ये आशंका होगी कि कहीं कोबाल्ट वाला मामला तो नहीं निकल जाएगा इसमें। तो आपने सुना जिस तरह से नीरज जी कह रहे हैं कि ये बेकार का सियासी इशू है, अगर भलाई होती है, चूंकि लालू प्रसाद यादव की बात करें तो उनकी अपनी अहमियत है, सबसे बड़े दल के विधायक, दल के कह सकते हैं विधायक भी उनके पास है, राष्ट्रीय जनता दल के पास सबसे ज्यादा विधायक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इस हैसियत से अगर सार्वजनिक जीवन में है, अगर वो जाते हैं वहां डॉक्टरों से मिलते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आशुतोष आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर एक बार बता देते हैं दर्शकों को जरा। सूबे के सरकारी अस्पतालों के हालात अगले 6 महीने में सुधर जाएंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आरके महाजन ने इसका दावा किया है। आरके महाजन ने आईजीआईएमएस अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने इमरजेंसी सेवा की बेहतर स्थिति नहीं होने पर नाराजगी भी जताई, साथ ही उन्होंने अस्पताल में बेहतर सुविधा के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया है। वहीं उन्होंने पीएमसीएच, एनएमसीएच और आईजीआईएमएस को विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने का दावा भी किया है। यह कि अगले साल नवंबर तक ये फर्स्ट फेज मेडिकल कॉलेज का पूरा कर दें, एक तो ये टारगेट इनको हमने दिया है। तीसरा, इमरजेंसी की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे, तो हमने कहा कि इसको स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी के रूप में विकसित करें और ट्रॉमा सेंटर भी बनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की थी स्वास्थ्य विभाग की, तो उसमें उनका निर्देश था कि ये आईजीएमएस हुआ, नालंदा मेडिकल कॉलेज हुआ, हॉस्पिटल हुआ, पीएमसीएच हुआ, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हुआ, इसको हमें अपग्रेड करना है और उसको धीरे धीरे करके एक स्टेट ऑफ द आर्ट या वर्ल्ड क्लास बनाना है। तो चलिए इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा। आशुतोष, जानना चाहेंगे कि सरकार जो दावे कर रही है, क्या उनके लिए उनके पास कोई स्ट्रैटेजी है? देखिए, ऐसा लग नहीं रहा था, जिस तरह से प्रधान सचिव ने कल दौरा किया और बारीकी से निरीक्षण किया है, और हाल फिलहाल में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी समीक्षा कर जानने की कोशिश की थी कि आखिर कहां कहां स्वास्थ्य विभाग में या फिर जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहां क्या क्या किन किन चीज़ों की कमी है उसको दूर किया जाए। आर के महाजन ने एक बड़ी बात कही है कि आने वाले 6 महीने में 4 बड़े हॉस्पिटल जो हैं उनकी स्थिति बहुत बेहतर होगी, और छः महीने में और जितनी भी सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाएंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था अब तक पटरी पर नहीं आ सकी है, ऐसे में ये दावा करना कि 6 महीने में NMCH, PMCH, IGIMS, IGIC इसकी स्थिति सुधर जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। नीरज जी से ही पूछ लेते हैं। नीरज जी, नीतीश कुमार लगातार कंटिन्यू सीएम रहे हैं 2 टर्म से, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ ठीक ठाक रही नहीं जो यहाँ के हालात रहे, और अब ये कहा जा रहा है कि 6 महीने में कुछ चमत्कारी को परिस्थितियाँ आ जाएंगी, ऐसा लगता है क्या? नहीं, स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण चुनौती है, और जब भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ सत्ता की भागीदार थी तो उनके आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि बिहार में तो कोई काम नहीं हुआ 10 वर्ष तक, तो 7.5 वर्ष तक के भाजपा का दंश झेला है स्वास्थ्य विभाग। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये कथन है।
माननीय नंद किशोर यादव जी, अश्विनी चौबे जी, ये सब सत्ता भोग रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी चुनौती है, जिस ढंग से सरकारी जो अस्पताल हैं उसकी व्यवस्था, चाहे वह बहाली की प्रक्रिया हो या उसमें प्रक्रियात्मक सुधार हो, डॉक्टर की चुनौती तो पूरे देश के अंदर में है। डॉक्टरों की संख्या कम है, सरकार ने होम्योपैथ डॉक्टर का बहाली किया, आयुष का किया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर जाना नहीं चाहते, ये एक बड़ी परिस्थिति यानी चुनौती है। आशुतोष, उनसे पूछिए कि क्या सब कुछ 6 महीने में सुधर जाएगा? और अच्छे पदाधिकारी माने जाते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग से उनका सरोकार रहा है। बिल्कुल आशुतोष, उनसे पूछिए कि क्या सब कुछ लगता है कि उम्मीद है कि सुधर जाएगा? वैसे सबसे बड़ी क्या वाकई सब चीज सुधर जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि आपके हेल्थ मिनिस्टर भी ज्यादा परिपक्व नहीं है। ये लोकतंत्र में ये परिभाषा है क्या? स्मृति ईरानी बहुत परिपक्व है, स्मृति ईरानी इंटर पास है तो देश का शिक्षा जगत चला लेंगे। लेकिन बहुत पॉलिटिक्स में उनका बहुत लंबा सफर रहा है। किस बात का पॉलिटिक्स में? टीवी सीरियल में भले नजर आई है, शिक्षा जगत में कोई योगदान नहीं। मुरली मनोहर जोशी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोग देश के शिक्षा मंत्री रहे हैं, और आज शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं, तो उन पर भरोसा है? लालू प्रसाद का दिशा निर्देश रहेगा तो कहीं ना कहीं ठीक। देखिए, दिशा माननीय नीतीश कुमार जी ने विभाग बार समीक्षा की है, और हर बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उसके पर रोड मैप बनाते हैं, रोड मैप बनाने के बाद उसका क्रियान्वयन करते हैं। तो जो भी बिहार के अंदर में बेहतर काम हुए हैं उसका क्रेडिट एक ही व्यक्ति को जाता है, माननीय नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए धैर्य के साथ, संयम के साथ, राजनीतिक विरोध के बावजूद बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त रहे, यह प्रयास जारी रहेगा और उसको मुकाम तक पहुंचाएंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात नीरज कुमार ने कही है कि जो भी परिवर्तन हुए हैं और जो भी बेहतर काम हुए हैं वो नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में हुए हैं, और स्वास्थ्य व्यवस्था अगर बेहतर होगी तो वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होगी। हालांकि ये बात अलग है कि तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री हैं और लालू प्रसाद यादव पूरी तरीके से चाहते हैं कि स्वास्थ्य महकमा और बेहतर हो। जी बिल्कुल आशुतोष, जानकारी के लिए और बातचीत करवाने के लिए नीरज कुमार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। तो आपको बताएं कि लगातार स्वास्थ्य विभाग को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है, या वो पीएमसीएच की बात करें या वो एनएमसीएच की बात करें, हर वक्त सुर्खियों में पीएमसीएच और एनएमसीएच रहता है। और अब देखना ये होगा कि वाकई 6 महीने में क्या सब कुछ सुधर जाएगा। और अब रुख करते हैं झारखंड का। आज झारखंड उदय योजना में शामिल होने वाला पहला राज्य बन जाएगा। सीएम रघुवर दास आज दिल्ली जा रहे हैं, जहां केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और झारखंड सरकार के बीच एमओयू पर साइन होगा। ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर ए के वर्मा और झारखंड ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव एस के जी रहाते एमयू पर साइन करेंगे। इस मौके पर सीएम रघुवर दास, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित रहेंगे। वहीं केंद्रीय ऊर्जा सचिव पी के पुजारी, एमएनआरआई के सचिव उपेंद्र त्रिपाठी, कोयला सचिव अनिल स्वरूप और झारखंड के मुख्य सचिव राजीव गौबा भी उपस्थित रहेंगे। बाद में सीएम रघुवर दास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे। और आइए अब जानते हैं कि उदय योजना क्या है। तो बिजली वितरण कंपनियों को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार की एक योजना है ये। इस योजना के तहत झारखंड बिजली वितरण कंपनी का लोन और डीवीसी और कोल इंडिया की बकाए राशि का भुगतान राज्य सरकार रिजर्व बैंक से लोन लेकर करेगी। केंद्र सरकार ने वितरण कंपनियों को लोन के दबाव से मुक्त करने के लिए ये योजना बनाई है। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता आशुतोष सिन्हा। आशुतोष, जानना चाहेंगे कि आज सीएम रघुवर दास दिल्ली जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे और एमओयू पर हस्ताक्षर भी होगा। आज जानना चाहेंगे कि क्या जानकारी आपके पास है, आज क्या क्यों शेड्यूल है उनका।
जी ललिता, मैं बता दूं कि आज प्रधानमंत्री सुबह 8:50 पर दिल्ली के लिए निकलेंगे। उसके बाद जो दिल्ली पहुंचने के बाद जो 12 बजे उनका केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक है, जहां नितिन गडकरी चूंकि 9 तारीख को झारखंड के दौरे पर आने वाले हैं, जहां जो कहा जा रहा है कि 9,000 करोड़ से ज़्यादा की सड़क की योजनाओं का शिलान्यास या फिर उद्घाटन करने वाले हैं। इस संबंध में उनसे जो है एक रोड मैप जो है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो है 3 बजे जो है उदय योजना पर MOU होना है होटल अशोका में। उसके बाद शाम 5 बजे जो है 7 RCR में मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उनका जो 1 साल का जो कार्यकाल का जो ब्यौरा है वो जो है रिपोर्ट कहें कि रिपोर्ट कार्ड जो है वो प्रधानमंत्री को देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 जो बड़े कार्यक्रम है आज दिल्ली में उनके, जिसमें पहला जो है नितिन गडकरी के साथ मुलाकात है और उसके बाद जो है 3 बजे उदय योजना को लेकर के जो है होटल अशोका में जो है वो MOU है, जहां कहा जा रहा है कि झारखंड में जो 2017 में जो मुख्यमंत्री का संकल्प है कि 2017 में जो है झारखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाना, हर एक गांव में बिजली पहुंचाना, उस योजना उसमें जो है उदय योजना जो काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से झारखंड में जो कहा जा रहा है कि बिजली कंपनियों के जो बकाया है उनको भुगतान भी करना, करीब 6,000 करोड़ से ज्यादा की राशि जो का जो है बकाया है, तो वो जो है कि RBI से लोन लेकर के जो है उस योजना के जो है योजना के अंतर्गत आने के बाद जो है उनके बिजली कंपनियों को जो है वो उसका भुगतान किया जाएगा। और इसके बाद जो है शाम 5 बजे जो है 7 RCR में रिपोर्ट कार्ड के साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। और जिस तरह से कल आनंद फानंद में कहा जाए कि लैंड बैंक का जिस तरह से वेब लॉन्च किया गया, उसे कहीं ना कहीं ये क्यास लगा जा रहा है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो झारखंड को जो 3रे स्थान पर जो विश्व बैंक के द्वारा जो आकलन किया गया उस क्षेत्र में जो है एक बड़ा कदम माना जा रहा है कि जिस तरह से जो यहाँ जो जो कंपनियां आने वाली है जो कहा जाए कि उद्योग लगाने के लिए उन कंपनियों को जो है किस तरह से लैंड में जो मुहैया कराया जाए, इस क्षेत्र में ये एक बड़ा कदम है। तो कहीं ना कहीं ये 3 मुख्य जो आज कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री से मुलाकात, उससे पहले MOU पे साइन हो रहा उदय योजना के तहत, मैं बताना चाहूंगा कि उदय योजना में शामिल होने वाला देश का पहला राज्य है झारखंड, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है झारखंड के लिए कि जिस तरह से झारखंड में ऊर्जा की भारी किल्लत है, तो इसको देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इसके अलावा नितिन गडकरी से मुलाकात है, तो ये 3 मुख्य कार्यक्रम आज दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री का जो है ये तय है। जी ललिता, आशुतोष, इन तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया करना चाहेंगे। तो आपको बताएं कि आज झारखंड उदय योजना में शामिल होने वाला पहला राज्य बन जाएगा। सीएम रघुवर दास आज दिल्ली जा रहे हैं, जहां केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और झारखंड सरकार के बीच MOU पर हस्ताक्षर होना है। इधर झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने लैंड बैंक का गठन किया है। सीएम रघुवर दास ने इस योजना का उद्घाटन किया। पहले चरण में सरकार ने 21,01,471 एकड़ भूमि को लैंड बैंक में शामिल किया है। लैंड बैंक की शुरुआत करते हुए सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो ध्यान दें कि उद्योगपतियों को जमीन से संबंधित मामलों में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कुल मिलाकर के इस राज्य में 21,01,471 एकड़ की भूमि हम लोगों ने आइडेंटिफाई की है, और इसके लिए कि लोगों को फैसिलिटीज़ मिले इंडस्ट्रीज़ को एंड निवेशकों को, इसके लिए राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी और साथ में जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारियों की भी घोषणा की गई है, और हम लोग उद्योग विभाग के साथ निरंतर संपर्क में हैं। अगर किसी भी उद्यमी को इसमें किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो संबंधित जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी, उद्योग विभाग अथवा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नोडल पदाधिकारी से इसमें संपर्क स्थापित कर सकते हैं और हम लोग उनको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। सिमडेगा में पुलिस और PLFI के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 उग्रवादियों को मार गिराने का दावा किया है, साथ ही भारी तादाद में हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक उग्रवादी 3 बाइक पर आए थे, उग्रवादियों की तादाद 6 थी। हालांकि 4 उग्रवादी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक फरार होने वाले उग्रवादियों में दिनेश गोप भी शामिल है और पुलिस ने उसे भी गोली लगने का दावा किया है। पुलिस ने घटनास्थल से 1 AK-47, 2 राइफल और 1 देसी कट्टा बरामद किया है। पुलिस ने इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया है। हमें गुप्त सूचना मिली थी कि दिनेश गोप का दस्ता अपने
नए साथी जो कि दस्ता में शामिल होने के लिए आ रहे थे यहाँ, उनको रिसीव करने के लिए जीतू टोली में आने वाले हैं। उसी सूचना पर मैं थाना प्रभारी बानो और इंस्पेक्टर बानो रविशंकर जी को हम लोगों ने अपने डीएपी के जवानों के साथ यहाँ भेजा और इन लोगों ने बड़ा बहादुरी के साथ मुठभेड़ किया है। बाकी एरिया में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, चारों तरफ जवान सर्च कर रहे हैं। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता श्रीरामपुरी। श्रीराम, जानना चाहेंगे कि पुलिस ने कहा है कि सर्च अभियान चल रहा है, तो क्या कुछ उनके हाथ अभी फिर कुछ लगा है? जी, सर्च अभियान समाप्त हो चुका है। 200 और जो 4 हथियार मिले थे रात में, उसके अलावा अभी तक पुलिस को कुछ भी नहीं मिला है। रांची से किसी बड़े अधिकारी की बानो पहुंचने की संभावना है और उसी के इंतजार में पुलिस बानो में इंतजार कर रही है। दोनों शव को सिमडेगा भेजा जा रहा है क्योंकि पोस्टमार्टम उनका सिमडेगा सदर अस्पताल में होता है। सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए दोनों शव को भेजा जा रहा है, जबकि रात में एक शव की पहचान विमल पाइक के रूप में की गई थी। पर अभी जो सूचना मिली है उससे यह जानकारी मिली कि वो विमल पाइक का शव नहीं है, किसी दूसरे नक्सली का शव है। अभी तक दोनों शवों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस कोशिश कर रही है कि दोनों शवों का पहचान हो, चूंकि इन लोगों ने 8 लोगों को पहले ही पकड़ रखा है। जब उन लोगों को दिखाया जाएगा या उनको उनकी तस्वीर उन्हें दिखाई जाएगी 8 नक्सलियों को, तो शायद पता चले कि दोनों शव किसके हैं। बिल्कुल श्रीराम, इन जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका।